नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं UPSI ASI से रिलेटेड जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि सर मेडिकल में क्या होता है, अगर मुझे नौकरी है तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, ASI वाले तो मतलब मैं चश्मा लगाता हूँ तो क्या मुझे सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कितने पावर तक चलेगा, कितना विज़न होना चाहिए आपका, तो ये सब जो चीज़ें आपको दिक्कत दे रही थी कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है वो मैं लेके आया। और मेडिकल टेस्ट ऑलमोस्ट SI का हो जो सिविल पुलिस वाला है या ASI जो है वो दोनों में सेम प्रोसीजर है, यही कांस्टेबल में भी होता है, ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस में जो मेडिकल टेस्ट का प्रोफॉर्मा है एक ही जैसा है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से अपने एक तरह से बोला जाए स्किल के अकॉर्डिंग वो लोग छांट लेते हैं कि मान लो ASI का काम है तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल काम करना है चाहे वो काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर जो है जान जाते हैं कि वर्क के अकॉर्डिंग इनको कितना मेडिकल होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसलिए पहले से ना माइंड मेकअप कर लें आप कि मेरा नौकरी है चाहे कुछ भी है तो मैं ना जाऊं, ठीक है। उसके भी कई स्केल होते हैं, कई मापन होते हैं कि कैसे आपको कितने लेवल का नौकरी है आपका, ठीक है, चाहे फ्लैट फूट है, ये सब चीज़ें वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, अपने आप डिसाइड करके घर पे मत बैठ जाना, तो लास्ट तक जाना, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है उसको एक एक प्रोसेस करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका होगा आपके जो सर हैं, सर का टेस्ट होगा, ठीक है, हेड का, कि कहीं चोट नहीं है, कोई गंभीर चोट तो नहीं है आपको, कभी लगी हो फिर बाद में वो दिक्कत देने लगे आपको, तो उसका डॉक्टर जो है देखेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद से सबसे जो मेन टेस्ट होता है वो आँख का टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको दिखाया जाता है ऐसा कुछ लेटर, पढ़ाया जाता है, तो ऐसा मत चार्ट ही रट के चले जाना और बोल देना, पूछे कि ये कहाँ तक दिखाई दे रहा है तो सब रटते हुए बोल देना, क्योंकि चार्ट एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होगा, ठीक है, तो ये काम मत करना। यहाँ पर जब ये चार्ट आपको दिखाया जाएगा तो अगर आप बिना चश्मे के ये पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, सपोज करिए आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो ये लास्ट वाला जो है ना ये 6x5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6x6 ही चाहिए। तो अगर आपकी आंख सही है, अगर आपने ये लेटर पढ़ लिया बिना किसी चश्मे के, तो समझ लीजिए आप फिट हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6x6 यहाँ मतलब यहां तक का लेटर आप पढ़ लेते हो, डिस्टेंस जो आपका जाते होगे देखे होगे, अगर चश्मा उस्मा पहनते हो तो, जो नहीं पहनता उसको तो कोई बात ही नहीं है, तो यहां तक आप देख लेते हो तो आपकी आंख 6x6 है, ठीक है। उसके बाद से ये 6x12 है और ये 6x9 है, ठीक है। अब इसका क्यों मैं यूज कर रहा हूं 6x9 और 6x12 अभी बताऊंगा, क्योंकि अगर एक आंख आपकी 6x6 है और दूसरी आंख 6x9, मतलब एक आंख से आप पूरी देख ले रहे हो यहां से यहां तक और दूसरे से आप सिर्फ इतना तक देख रहे हो, ठीक है, तभी भी काम चल जाएगा आपका। एक आपका 6x6 है और दूसरा आपका 6x12 है, तभी भी आपको मान लिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, अभी मैं आऊंगा उस पर। और जो बोलते हैं बच्चे कि चश्मा लगाते हैं क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, एकदम आप एलिजिबल हो, मैं अभी नियमावली दिखाऊंगा 2016 वाली, उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग उसी नियमावली पे, ये देख लो ऐसे ही आपका टेस्ट होता है। अब जान गए 6x12, 6x60, ये देखो ये 6x60 होता है, सबसे टॉप 6x60 होता है, ये 6x36 है, ये 6x24 है, ये 6x16 18 है, ठीक है, और ये 6x12 है, ये ध्यान रखना। अब मैं नियमावली को एक बार दिखा देता हूं आपके सामने कि उसमें क्या बोला गया है। ये देखिए, यह आंख टेस्ट के लिए मानक है, मानक 1, 2 और 3, तीन मानक पे आपका आंख टेस्ट होता है, यह आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इस पे हम लोग थोड़ा सा अब देखिए, जैसे दूरदृष्टि उसमें क्या होना चाहिए, 6x6 ये तो नॉर्मल है, जो एक मानक होना चाहिए वही बोल रहे हैं, 6x6 होना चाहिए, बाई भी 6x6 होना चाहिए, नजदीक का 0.6 होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब आते हैं दूरदृष्टि में दूसरे मानक पे। दूसरा मानक क्या कहता है कि दूरदृष्टि अगर ये 6x6 है एक आंख, और जो दूसरी आंख है बिना चश्मे के 6x60 है, मतलब आप सिर्फ पहला लेटर ही देख पा रहे हो, उसके बाद कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है, तो और चश्मे के साथ सुधार के पश्चात 6x24 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 6x24 से दूसरी आंख कम नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जब चश्मा आपको लग गया
तो 6 बाई 24 मैंने वो जो दिखाया था ना कि कौन सा लेटर 6 बाई 24 होगा, कौन सा लेटर 6 बाई 12 होगा, तो वो 6 बाई 24 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से नजदीक दृष्टि 0.6 होना चाहिए और ये आपका 1 होना चाहिए। फिर से तीसरे मानक पे हम आए तो दूर दृष्टि में अच्छी आंख और खराब आंख की बात बात, इसमें दोनों के चश्मे की बात कर रहा है। इसमें तो ये एक आंख 6 बाई 6 है और दूसरा खराब है, तब ऐसी कंडीशन होगा। तीसरा मानक ये है जब दोनों आंखें आपकी खराब हो, तो बिना चश्मे के 6 बाई 24 से कम नहीं हो, मतलब 6 बाई 24 तक जो आपका है लेटर वाला सिक्वेंस वो 24 तक आपको दिखना चाहिए बिना चश्मे का, और चश्मा लगाने के बाद 6 बाई 6 होना चाहिए, यही लिखा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर सेम कंडीशन है कि 6 बाई 24 से कम नहीं होना चाहिए और चश्मा के सुधार के साथ 6 बाई 12 से कम नहीं होना चाहिए, यहां तक ये चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा ना, जैसे कुछ आंखें खराब हो जाती हैं वो 6 बाई 6 पर नहीं आ पाती हैं, शुरू से अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो 6 बाई 12 से कम नहीं, जो वो खराब आंख इसीलिए लिखा है। ये अच्छी आंख अगर बाद में खराब हो जाती है, जैसे क्या होता है बाद में धीरे धीरे चलते चलते पढ़ते वक्त, चाहे आपके जो है न्यूट्रिशन की वजह से धीरे धीरे क्या होता है आपको चश्मा लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए बोला कि आपकी अच्छी आंख जो है अगर खराब होना हो गई, और ये शुरू से जिसके में दिक्कत होती है उसके लिए बोला है कि चश्मा लगने के बाद भी वो 6 बाई 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये नियमावली है, मैं कहीं अलग से नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप भी देख सकते हो डाउनलोड करके, जल्दी मिलती नहीं है, पूरी पुलिस की मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। ये 2016 वाले में मैंने देखा है, ये पूरा ये 500 पेज का पूरा गाइड ही है, पूरा यूपी पुलिस का रूल है पूरा, ये आप पढ़ोगे तो यूपी पुलिस का ये पूरा 500, ये देखो नियमावली 2016 है, इसी में हर नियमावली है। तो ये लेटेस्ट यही थी, और उसके बाद से हम देख लें तो ये क्या है एक पूरा, ये देखिए, पता चले आप लोग फिर बोलने लगे सर आप ये बोल रहे वो बोल रहे हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उसके लिए प्रूफ लेके आया हूं कि जो भी बोल रहा हूं ये विद प्रूफ बोल रहा हूं। ये आपका पूरा एक रूल्स का पीडीएफ है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस रूल्स और 1942 उसका पीडीएफ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मेडिकल में वो प्रोस्पेक्टस पे, आपके नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं जाता है, जब मेडिकल टेस्ट में आप जाओगे तो वहां पे डॉक्टरों को प्रोस्पेक्टस दिया जाता है पुलिस वाले का, उसमें कुछ टेस्ट देखो जनरली कुछ, ये जितना मैं टेस्ट बता रहा हूं ये तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हैं, कहीं कहीं होते हैं कहीं कहीं नहीं होते हैं सेंटर पे, वो डिपेंड करता है। तो हम आ जाते हैं पिछले पे अपने, तो ये आई टेस्ट आपका हो जाता है, आई टेस्ट के बाद उसके बाद से होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए। वो भी लेबल पे चेक होता है, ऐसा नहीं कि आप पहले से मान लो कि मैं कलर ब्लाइंडनेस है मैं नहीं जा पाऊंगा, मेन ये टेस्ट करके देखो क्या आप पढ़ पाते हो ऐसी चीजें, अगर देख रहे हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं देख ले रहा हूं 7 है इसमें, 13 है इसमें, 16 है ये, 9 है, 12 यार, ऐसी एक बुक होगी, वो आपको एक डिस्टेंस से पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे बताओ इसमें क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, ऐसे उसके बाद फिर डिस्टेंस कम करेंगे चाहे ज्यादा करेंगे, तो उस लेवल पे वो डिसाइड करेंगे आपको कितना कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, तो पहले से अपने आपको कलर ब्लाइंडनेस मानकर घर पे नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना, डॉक्टर आपको बताएगा कि आप कितने कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये ऐसे आपका टेस्ट होता है, वो पढ़वाते हैं, बुकलेट पूरी होती है वो एक एक करके, और वो डिस्टेंस चेंज करते जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, पहले ये ब्लड टेस्ट नहीं होता है, कई जगह सेंटर पे हो सकता है, जो मैंने बताया कि कुछ चीजें कंपलसरी है कुछ नहीं है, तो ये उतना कंपलसरी नहीं है, हो सकता कराया जाए हो सकता ना कराया जाए, देखा जाए कि आपका कोई बीमारी तो नहीं है, किसी चीज से आप जूझ तो नहीं है रहे हैं इंटरनली, तो ये पूरा ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ये सब होता है। उसके बाद से ब्लड प्रेशर आपका चेक होगा कि बीपी उपी के मरीज तो नहीं है, पता चले आपको सेना में भर्ती किया जा रहा है, पुलिस में भर्ती किया जा रहा है और आप हर 5 मिनट में गुस्सा ही हो जा रहे हैं, ठीक, तो ब्लड प्रेशर आपका चेक होगा, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ईसीजी होगा कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चल के दिक्कत आपके साथ हो जाए, ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट होगा आपका ये चीज, ये तो कंपलसरी है, बाकी तो आपका जनरल है कि वो कराया ही जाएगा, तो हो सकता है कराया जाए हो सकता है ना कराया जाए, लेकिन यहां पर ये टेस्ट जरूर होता है। यहां पे आपके जो दोनों आर्म्स हैं उसको ऐसे करके देखा जाएगा कि आर्म्स आपका कितने एंगल पे है, जैसे यहां पर देखा जाए ये नॉर्मल है, यहां पे जब ये करने के बाद आपका एक ये लाइन देख रहे हो, इसे पूरी लाइन से यहां से 18 एंगल की डिग्री पर, तो ये एक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे भग जाएगा तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा,
और अंदर की तरफ भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ आपका, देखो ये इस लाइन से ये आपका देख रहे हो, ये एंगल माइनस पांच पे जा रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है तभी भी आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसके भी मानक है। मेन तो एकदम नॉर्मल ये है, इतना होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर होता है तो चलता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। अब 15-18 की बजाय 16 है 15 है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें माइनस पांच होगा, मान लो माइनस एक तक चलेगा, अब माइनस पांच नहीं चलेगा कि अंदर की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ हो, तो वो नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले से कुछ भी अपने माइंड में ना सेटअप बना लीजिएगा कि मैं ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्टर आपको बताएगा कि आप फिट हो या अनफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फ्लैट फुट चेक होता है। फ्लैट फुट में क्या होता है कि पानी में आपके पैर को भिगो दिया जाएगा, बोला जाएगा, उसके बाद से उसका छाप पड़वाया जाएगा। ठीक है, उस छाप पे देखा जाएगा, तो ऐसे होगा कुछ छाप, देखते होगे आप लोग जब पानी से पैर भीग जाता है तो फर्श पे चलते हो तो एक पूरा धब्बा बनता चला जाता है आपके पैर का, तो उसमें अगर आपका फ्लैट आ गया एकदम फ्लैट, ठीक है, तो दिक्कत है आपके साथ, तब हो सकता है आपको निकाला जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में यह है कि आपका आर्क ऐसा बनना चाहिए, ऐसे आर्क बनना चाहिए, तो यह नॉर्मल है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आर्क बन जाए, यह भी नहीं चलेगा। ठीक है, फ्लैट फुट जैसे ये है, ये एकदम फ्लैट है, हो सकता है कुछ कर्व हो, तभी भी हो सकता है डॉक्टर कहे चलो चल सकता है आपका। ठीक, ये तो नॉर्मल है, जितना मैंने बताया कि इतना कर्व बन रहा है तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, तो अपने आप से भी ना मान लेना कि मेरा फ्लैट ही फुट है। ठीक, एक बार डॉक्टर को चेक करने दो, या डॉक्टर से जाकर चेक करा लो, एक्सरे करा लो, हर चीजें करा लो, वो आपको बता देगा कि कितनी आपको दिक्कत है। कुछ एक्सरसाइजेस डॉक्टर प्रेफर करते हैं जिससे आपको ये समस्या दूर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला है जो टेक्स्ट होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे नौकनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, नौकनी के टेस्ट की प्रॉब्लम है, नौकनी है तो क्या मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा या बाहर कर दिया जाएगा? उसको भी मैं बता दे रहा हूं कि इसके भी आपके कई मानक होते हैं, उस मानक पे आपके नौकनी टेस्ट होता है। ठीक है, पहला जो सबसे नॉर्मल है तो नौकनी ये देखा जाता है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, जो ये सेंटर ऑफ हिप है आपका और सेंटर ऑफ नी है, जी जो पटेला होता है ना जहां घुटना है आपका, वो उसके पीछे होता है सेंटर ऑफ नी, और ये सेंटर ऑफ एंकल। ठीक है, सेंटर ऑफ एंकल, सेंटर ऑफ नी और सेंटर ऑफ हिप, अगर ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट पड़ रहे हैं, तो आप नॉर्मल कंडीशन में हो। ठीक है, आप नॉर्मल कंडीशन में हो। और यहां पे देख लो, ये बोलेग की प्रॉब्लम है। क्या है ये बोलेग? जब आप खड़े होगे तो आपका पैर बाहर की तरफ भगेगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये अगर है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इतना अगर है तो, ये ध्यान रखना कि देख रहे हो ये सेंटर से ये लाइन अगर मैं खींचूं तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये है, ये लाइनिंग है। थोड़ा मोड़ा होता तब तो समझ में आता, चलो ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है तो समझ में आता, लेकिन बहुत जा रहा है बाहर है। उसी तरह ये नौकनी, ये प्रॉब्लम जो है नौकनी मैक्सिमम लोगों में होता है और लोग अपने आप में प्रेजुडाइज कर लेते हैं कि अब मुझे बाहर ही कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा सा टच हो रहा है तो वो डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा कि कितना आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, कितनी नहीं है, बाद में वो सही भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है चीजें। अगर बहुत दिक्कत है कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा ही ये सेंटर ही चेंज हो गया, ये लाइन है और ये पॉइंट है इसका, ठीक है, सेंटर ऑफ नी, तो ये कुछ ज्यादा है तो इतना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा है कि ये सपोज करो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे आपका आ रहा है, ठीक है, तो ये चल सकता है, समझे? तो अपने मन से कुछ भी मानना नहीं है, मेरा यही कहना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेडिकल के ऊपर कि आप लोग अपने तरफ से ये ना सोचना कि मेरा नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट सबसे है ये, उसके बाद से अगर नौकनी वाला सबसे ज्यादा दिक्कत है, एकदम सट जा रहा है, एकदम गैप नहीं आ रहा है, तो आपके लिए दिक्कत होगी, ये ध्यान रखिए। अगला जो टेस्ट होगा वो हियरिंग, आंख का टेस्ट होगा, आंख नाक कान, ठीक है, ये सब टेस्ट होता है आपका। तो इसमें आपको आपका ईयर ड्रम जो है, पर्दा जो है, वो पूरा का पूरा साफ होना चाहिए, वैक्स नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आप लोग पहले से करा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं साउंड सुनने से आपको चक्कर आता हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई थोड़ा सा भी बर्तन खनक रहा है तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है साउंड से, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, मशीन से आपको एक मशीन लेकर आएंगे, हर जगह लगाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि बताइए आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो आप पता चले आप भाग गए कि हाँ बोलने लगे, नहीं सर सुनाई दे रही है, वो बंद भी किया तभी भी सुनाई दे रही है, कहीं भी लगाया सुनाई दे रही है, तो ऐसा नहीं,
जो सही होगा सुनाई दे रही है तो बोलो हाँ दे रही है, नहीं दे रही है तो बोलो नहीं दे रही है, नहीं तो वो जान जाएगा कि तुम पहले से माइंड सेटअप करके आए हो, अब बाहर कर देगा तुम्हें, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपके दांतों का टेस्ट होगा, ठीक है? दांत आपके सही हैं, कोई पैरिया वैरिया तो नहीं है, सड़न उड़न तो नहीं है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े तो थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? पान गुटखा खाने वाले कहीं कैंसर वाला तो नहीं है सिस्टम है, लेकिन जब जनरली आप खाते ही रह रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है तो खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अभी बोलो कि गुरु जी कह रहे हैं पान गुटखा खाओ, ऐसा नहीं है, ये सब गंदी आदतें हैं, सब छोड़ दो, ठीक? अब यहाँ पर टेस्ट होगा तो इसमें मेन 14 पेयर आपके देखे जाएंगे, मतलब 28 दांत आपके अगर सही हैं तो आपको मानक मान लिया जाता है कि आप फिट हो टूथ वाले में, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला है चेस्ट, ठीक है? चेस्ट का एक्सरे होगा, उस पर देखा जाएगा आपका हार्ट की पोजीशन जो है, देखो यहाँ पे होती है हार्ट की पोजीशन, सही पोजीशन पे है कि नहीं है, ठीक? तो इसको ये मत मान लेना कि ऐसा कुछ अगर सैडेड आ रहा है तो कोरोना हो गया है, ठीक? तो ये ध्यान रखना कि चेस्ट का आपको एक्सरे कराया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो सके आपको, तो ये सब चीज़ें जनरली होता है। उसके बाद से ड्रग्स टेस्ट होता है कि किसी चीज़ की आपको आदत नहीं है, कोई ड्रग्स की पता चले, स्लीपिंग पिल्स लेते हो, चाहे आप जो है रनिंग वनिंग में कोई ड्रग्स का यूज़ किए हो, तो इस टाइप की चीज़ें चेक होती हैं। तो ये जनरली हो गया आपका कि ये चीज़ें चेक होता है कुछ जगह पे। अब डिपेंड करता है कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं पाइल्स और हाइड्रोसिल्स सर चेक होता है कि नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर को एक मेडिकल प्रोस्पेक्टस मिलता है उसमें अगर बोला गया है, जनरली मैक्सिमम देखा गया कांस्टेबल और उसमें चेक नहीं हुआ था, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि उस प्रोस्पेक्टस में क्या है, अगर है तो चेक होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक आंख वाले से और दिक्कत बच्चे बोलते हैं, सर क्या अगर मुझे आंख की प्रॉब्लम है तो मैं लेसिक करा लूं? देखो लेसिक अलाउ तो नहीं है लेकिन इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब जैसे क्या होता है यूपी कांस्टेबल में बहुत बड़ा मेडिकल तो होता नहीं है, मशीनें इतनी ज्यादा रखी नहीं जाती हैं, अगर वो मशीन अवेलेबल है वहां पर मेडिकल में तब जाके आपका लेसिक जो है पकड़ा जाएगा। अगर लेसिक आप पहले से करा चुके हो तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है ना पकड़े जाओ, वैसे जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा लेसिक अगर कराए हो। अगर अभी मूड बना रहे हो कि नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है और लेसिक कराना चाहते हो, तो थोड़े प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया, अगर उतनी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने पर रिस्क लेना चाहते हो तो करा लो लेसिक, अगर ज्यादा दिक्कत है तो लेसिक करा लो, मेडिकल होते होते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इतनी पहचान नहीं होगी वहां पर, ये ध्यान रखना। वैसे कहा जाए तो अलाउ नहीं करते हैं लेसिक वाले को, लेकिन वहां पहचानना भी तो जरूरी है, कौन पहचान रहा है कि आपका लेसिक हुआ है कि नहीं हो रहा है, ठीक? ये ध्यान रखिएगा। कई जगह चल जाता है जैसे ITBP हुआ, उसमें SI SI की पोस्ट आती है तो लेसिक उसमें अलाउ कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये आपके जितने भी डाउट थे मेडिकल से मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसके बाद भी आपको किसी पॉइंट पर दिक्कत महसूस हो रही है, कोई और दिक्कत है, तो भैया इस वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से जूझ रहा, उसका सॉल्यूशन पूर्ण रूप से दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।